नमस्कार, मैं आशीष VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और प्रतीक्षा महेत्रे हत्याकांड मामले में राहुल भड़ नामक आरोपी को देर रात राजापेट पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, तो वहीं आने वाली 29 नवंबर तक उसे पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश जारी किए गए। शहर में सनसनी मचा देने वाले प्रतीक्षा महेत्रे हत्याकांड के आरोपी तथा उसके प्रेमी राहुल ने प्रतीक्षा की हत्या मात्र चंद मिनटों के गुस्से में किए जाने की बात सामने आई, जिसे लेकर अब शायद मन ही मन राहुल पछता रहा हो। पूछताछ के दौरान राहुल ने बताया कि प्रतीक्षा की हत्या के तुरंत बाद वो अपनी दुपहिया से सीधे बडनेरा थाना पहुंचकर नागपुर जाने वाली ट्रेन का टिकट खरीदा और कुछ देर तक ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर ही बैठा रहा। लेकिन उसे इस बात का डर सता रहा था कि उसे ढूंढती हुई पुलिस यहां तक न पहुंच जाए, जिस वजह से वो सीधे स्टेशन से बाहर निकला और साइकिल स्टैंड पर खड़ी अपनी दुपहिया से सीधे यवतमाल जहां पहुंचा। यहां भी उसे पुलिस का डर सताता रहा, जिसके बाद वो सीधे यवतमाल होते हुए मूर्तिजापुर जा पहुंचा और यहां के रेलवे स्टेशन में किसी ट्रेन का इंतजार करने लगा। इस बीच पुलिस ने राहुल को घरवालों से संपर्क कर लिया था, तो उसके परिजनों ने पूछताछ जारी की। रात करीब 1 बजे राहुल के मोबाइल का लोकेशन मूर्तिजापुर शहर में पुलिस को पता चलते ही राहुल की तलाश कर रहे पुलिस टीम मूर्तिजापुर जा पहुंची, लेकिन यहां भी पुलिस के समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिरकार राहुल मूर्तिजापुर में कहां है। लेकिन सूझबूझ से पुलिस ने अपने बस स्टैंड एवं बाद में रेलवे स्टेशन का रुख किया, जहाँ एक सुनसान जगह पर राहुल बैठा हुआ नजर आया। सादे वेश में पुलिस को राहुल पहचान नहीं सका और पुलिस ने उसे धर दबोचा। बताया जा रहा है कि मूलतः अंजनगांव सुरजी निवासी राहुल भड़ पेशे से निजी ठेकेदारी का काम करता था, जबकि उसका बड़ा भाई अकोला की ही किसी फर्म में प्रबंधक के रूप में कार्यरत है। सूत्रों की माने तो राहुल एवं प्रतीक्षा ने विवाह जरूर किया, लेकिन उन्होंने ये विवाह अदालत के अधीन नहीं बल्कि किसी धार्मिक स्थल पर किए जाने या किसी नोटरी के जरिए होने की चर्चा है। विवाह के बाद राहुल ने प्रतीक्षा के परिजनों से उसे अपने साथ ले जाने की इजाजत मांगी। बताया जा रहा है कि प्रतीक्षा के परिजनों ने राहुल तथा प्रतीक्षा की जन्म कुंडली में दोष बताते हुए इस विवाह से इनकार करने के बाद से ही राहुल एवं प्रतीक्षा में मेल मुलाकात भी बंद हुई। प्रतीक्षा ये सोचती थी कि वो अपने परिजनों के बगैर इजाजत राहुल के साथ नहीं रह सकती और ऐसी बातों को लेकर ही राहुल तथा प्रतीक्षा के परिवार में काफी अनबन हो चुकी थी। चर्चा तो इस बात की भी थी कि राहुल द्वारा प्रतीक्षा की हत्या किए जाने से पहले स्वयं ही आत्महत्या का प्रयास भी कर चुका है, लेकिन जो भी हो, एक रूढ़िवादी परिवार और उनकी विचारधारा के चलते इस परिवार ने जहां अपनी बेटी को खोया, तो वहीं दूसरी ओर मात्र चंद मिनटों के गुस्से ने राहुल की भी जिंदगी में अंधेरा ला दिया। तो इस तरह एक प्रेम कहानी का अंत हुआ। आए दिन घरफोड़ी तथा चोरी की वारदातों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं राजापेट थाना क्षेत्र के तहत आने वाले साई नगर परिसर में राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के दौरान एक साथ एक ही दिन दो घरों में घरफोड़ी की वारदातों को अज्ञातों द्वारा अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि साई नगर परिसर के हरिओम कॉलोनी निवासी बबन सराड़ तथा रघुवंशी परिवार में चोरी की दो वारदातों को बीती मध्य रात अंजाम दिया गया। इनमें से एक के घर से स्कूटी क्रमांक MH28BM5188 तो दूसरे के घर से करीब 7,000 के राशि पर हाथ साफ किया गया, जबकि चुराई गई स्कूटी बडनेरा रोड स्थित एक मंगल कार्यालय के पास बेवारस स्थिति में पुलिस ने जब्त की है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आगामी दिनों में राज्य परिवहन की बसों का लुक भी निजी ट्रेवल्स की तरह देखा जा सकता है। सरकार का यह निर्णय निजी ट्रेवल्स संचालकों को मात देने का प्रयास बताया जा रहा है। पुराने ढर्रे पर चलने वाली राज्य सरकार के ST परिवहन का आगामी दिनों में चेहरा मोहरा बदलने के लिए राज्य परिवहन विभाग में विचार किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से रास्तों पर चलते हुए
कबाड़ बन चुकी एसटी बसों के वर्तमान में उच्च दर्जे के लगाए गए एल्यूमिनियम तथा टीन की खराब हो चुकी चादरों को बदलने के साथ ही इनमें लगी खिड़कियों को भी नया लुक देने का विचार चल रहा है, जिसमें आगामी दिनों में राज्य परिवहन बसों भी चमचमाती हुई नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि नागपुर के हिंगना स्थित एसटी वर्कशॉप में फिलहाल एक ऐसी बस बनकर तैयार की जा रही है जिसमें टीन के चादरों के बजाय स्टील का इस्तेमाल किया गया। इस बस में यात्रियों को बैठने की व्यवस्था निजी ट्रेवल्स की तरह ही किए जाने वाली है। इसके साथ ही इसमें लगने वाली खिड़कियों में स्लाइडिंग भी लगाई गई और इन बसों में की जाने वाली लाइटिंग व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसटी का जो फिलहाल रंग है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। ये नई तकनीकी वाली एसटी की ऊंचाई भी लगभग 6 से 7 इंच बढ़ाई गई है, जिसमें सामान रखने की व्यवस्था निजी ट्रेवल्स की तरह बस के पिछले हिस्से में की गई। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। ईशान घर समान घराकडे तिचे सर्व ध्यान, कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्या साठी, अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी। आनंद एका स्त्रीचा। अग बाई गृहलक्ष्मी। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राका नेता तथा पूर्व मंत्री सुनील तटकरे ने शुक्रवार को स्थानीय विश्राम गृह में पत्रकार परिषद के दौरान वर्तमान सत्ताधारी भाजपा के 3 वर्ष के कार्यकाल पर हमला बोलते हुए इसे किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाली सरकार बताया है। उन्होंने पत्रकारों के समक्ष सत्ताधारी पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 31 अक्टूबर सत्ता पक्ष की ओर से जारी विज्ञापन के द्वारा किसानों को छले जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 90% कर्ज माफी की बात को धोखाधड़ी का करार दिया है। मी लाभार्थी के विज्ञापन के जवाब में हल्ला बोल आंदोलन के जरिए मी अपमानित, यह किसानों के जरिए सरकार को बताया जाएगा। 3 वर्ष पूर्तता झाली म्हणून या सरकारने जाहिरातींवरती करोड़ रुपयाचा खर्च केला आणि त्याच्यामध्ये 31 ऑक्टोबरला जी जाहिरात दिली त्या जाहिरातीमध्ये महाराष्ट्रातल्या 90% शेतकऱ्यांची कर्ज माफी झाली असं खोटेपणाने त्या ठिकाणी जाहिरातीमध्ये प्रसूत केलं। तसे मी लाभार्थी अशी जी काय त्यांनी हे केलेलं आहे तसं या हल्लाबोल आंदोलनाच्या निमित्ताने आम्ही महाराष्ट्रातील तमाम शेतकरी बांधवांना हे सांगणार आहोत की मी लाभार्थी नाही, मी अपमानित आहे। 22 माहिती भरून काढून आमच्याकडनं शेवटच्या स्तरावरती शेतकऱ्यांकडनं या सरकारने काय लिहून घेतलं की वर नमूद केलेली माहिती खोटी ठरल्यास मला मिळालेली कर्जमाफी व्याजासहित परत येण्यासाठी मी पात्र राहीन। पण त्याहीपेक्षा निर्लज्जपणाने पुढचं वाक्य या सरकारने लिहिलं आहे की ही माहिती खोटी किंवा चुकीची ठरल्यास मी दिवाणी किंवा फौजदारी खटल्यास पात्र राहीन। शेतकऱ्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करणाऱ्या सरकारचा धिक्कार करण्यासाठी आमच्याकडे शब्द अपुरे पडत आहेत। स्थानीय मालटेकड़ी परिसर से चलने वाली स्टेट कैरियर की 4 बसों को प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों की टीम ने फर्जी पासिंग के संदेह में जब्त किया है। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय की ओर से गत गुरुवार की शाम अचानक स्थानीय मालटेकड़ी परिसर में खड़ी की जाने वाली 4 निजी ट्रेवल्स बसों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। RTO के अधिकारियों को इस बात की आशंका है कि उपरोक्त बस के संचालकों द्वारा फर्जी पासिंग पर ये बस चलाई जाती है। हालांकि RTO अधिकारियों ने इस संदर्भ में ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया
और बता दें कि मालटेकड़ी परिसर से परतवाड़ा के रास्ते पे मध्य प्रदेश जाने के लिए कुछ निजी ट्रैवल्स चलती है, जिसमें श्रीराम ट्रैवल्स, विश्वकर्मा ट्रैवल्स तथा अन्य कुछ निजी ट्रैवल्स की बसें चलाई जाती है। बीते गुरुवार की शाम अचानक इन बसों को आरटीओ अधिकारियों ने जब्त करते हुए इस मामले को गुप्त रखा, लेकिन चर्चा इस बात की भी जताई जा रही है कि हो ना हो फर्जी पासिंग के संदेह पर ही चारों बसों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। आगामी 9 दिसंबर के रोज खाटिक समाज द्वारा वधुवर परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी दी गई पत्रकार परिषद के दौरान। विदर्भ खाटिक समाज सेवा समिति अमरावती की ओर से 9 दिसंबर के रोज 11 बजे स्थानीय गाड़गे नगर के संत गाड़गे बाबा समाधि मंदिर सभागृह में खाटिक समाज के वधुवर परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राज्य के न्याय मंत्री श्री राजकुमार बडोले इनके हाथों से किया जाएगा। अध्यक्ष स्थान पर समिति अध्यक्ष श्री राम नेहर, प्रमुख अतिथि के तौर पर लोकसभा रामटेक मतदार संघ के सांसद कृपाल तुमाने, विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, लातूर जिल्हा काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष ॲडव्होकेट व्यंकटराव बेंद्रे, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय सेल के अध्यक्ष सुभाष पारधी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी और भोपाल के पुलिस महानिरीक्षक आर के मराठे उपस्थित रहेंगे। इस दौरान पत्रकार परिषद में अधिक जानकारी दी। गोरगरीब मुलांचे मुला मुलीचा संबंध जुळवण्याच्या दृष्टिकोनातून हे आमचं 10वा हा मेळावा आहे आणि या मेळाव्याला तो 9 डिसेंबरला 11 वाजता आमचा मेळाव्याला सुरुवात होईल आणि या मेळाव्याचे उद्घाटक म्हणून या राज्याचे समाज कल्याण मंत्री श्री बडोले साहेब राहणार आहेत। प्रमुख अतिथी म्हणून रामटेक लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार गोपालभाऊ तुमारे आणि आमच्या खाटिक समाजाचे ते नेतेसुद्धा आहेत। या समाजाला आपल्या अमरावती येथील लोकप्रिय आमदार डॉक्टर सुनीलभाऊ देशमुखसुद्धा उपस्थित राहणार आहेत आणि समाजाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष खाटिक समाजाचे ॲडव्होकेट बेंद्रेसाहेब उपस्थित। ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।